एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएनके ऑल सॉल्यूशन। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो प्रिंटर है सॉलिड 510D, इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो ये है कि हमें यहाँ पे जो क्रोम है हमारा वो ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के से जो सर्च बार है, यहाँ पे आपको अपना प्रिंटर का नाम सर्च करना है, सॉलिड IDP 510D ड्राइवर डाउनलोड। उस पर एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद ये जो सबसे पहला लिंक है यहाँ पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे सॉलिड IDP प्रिंटर की, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जो वेबसाइट का पेज है वो कुछ ऐसे ओपन होगा यहाँ पे, ओवरव्यू। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना प्रिंटर सॉलिड 510D। उसके बाद आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पे जब जाएंगे आप, तब आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे, आपका ड्राइवर, फर्मवेयर, ये इंस्टॉलेशन CD। ये सारे देखने के बाद हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है। हम ड्राइवर पे क्लिक करते हैं। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सॉलिड IDP सीरीज प्रिंटर ड्राइवर। अब यहाँ पे ये, इस पर आप क्लिक करते हैं, आपका डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप उसको डाउनलोड करेंगे। मैं अभी यहाँ डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया था। इसको मिनिमाइज़ करेंगे हम। यहाँ पे आपका ड्राइवर शो हो जाएगा जो आपने डाउनलोड किया है, उसको हम ओपन करेंगे। इस स्क्रीन को कैंसिल कर दीजिएगा। ये देखिए, आपका ये जो पहले नीचे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ड्राइवर का, उस पर आप क्लिक करते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सॉलिड IDP, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, इस स्क्रीन को कैंसिल करते हुए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। देन आफ्टर आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस। आपको यहाँ सिंपली यस करना है। यस करने के बाद आपकी ये स्क्रीन ओपन होगी जिस पे आपको सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करना है। अब ये डाउनलोडिंग आप चलने दीजिएगा, या इसके बीच आपको ये ऐप वगैरह ओपन मत करिएगा। स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। जो दूसरा स्टेप है हमारा वो ये है इंस्टॉलेशन चेक्स। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और डाउनलोड होने देना है। अब ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें आपकी जो प्रिंटर की USB है आपको वो अपने लैपटॉप से अटैच करनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी USB अटैच कर दी है। अब आपको यहाँ पे नॉर्मली नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। आपको यहाँ लोकल USB पोर्ट सिलेक्ट करके रखना है और नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। अब ये डाउनलोडिंग होने दीजिएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिएगा नेक्स्ट में। सो जैसे कि हमने वहाँ पे वो जो सारे स्टेप्स थे वो क्लियर कर लिए थे, उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वो आपका ये है कि आपको स्टार्ट बार पे जाना है, यहाँ स्टार्ट के बटन पे, इस पे क्लिक करके आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। ये मेरा कंट्रोल पैनल आ गया है, मैं इसको ओपन करता हूँ। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद ये हार्डवेयर एंड साउंड का जो ऑप्शन है, व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने USB जब कनेक्ट करी थी उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है IDP सॉलिड 510D कार्ड प्रिंटर। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये प्रिंटिंग प्रेफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये प्रिंटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रिंटिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे। ये साइड्स वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि अभी सिर्फ टॉप लिख रखा है, जिसका मतलब सिर्फ फ्रंट कार्ड आपका प्रिंट होगा। सो आपको यहाँ से बोथ का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसको ओके करके। अब यहाँ पे आपके सारे स्टेप क्लियर हो चुके हैं। नाउ योर प्रिंटर इज़ रेडी टू प्रिंट कार्ड्स। आपका प्रिंटर तैयार है पूरी तरह से कार्ड प्रिंट करने के लिए।